नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों अनीश राज ब्लॉग पे आपका स्वागत है। तो बहुत दिन इंतज़ार करने के बाद इस मंदिर में आए हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो बहुत बड़ा शिवलिंग है, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा ऐसा शिवलिंग। और उसके अंदर में मंदिर है, शिवलिंग के अंदर में, तो ऐसा शिवलिंग शायद बहुत कम ही जगह पर इंडिया के अंदर में देखने को मिलेगा। तो हम आपको ले चल के दर्शन कराते हैं। देख सकते हैं ये शिवलिंग का प्रतिमा है, उसके आकार बहुत बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। दूर से आपको इतना लग रहा है, जब नज़दीक से इसको जूम करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कितने बड़ा है। ठीक है, तो चलिए अंदर चलते हुए आप लोग को दिखाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और वहाँ पे जो दिख रहे हैं ये मेरे सर हैं। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं इसके वजह से ब्लॉग चैनल पर हम बराबर वीडियो नहीं डालते हैं, क्योंकि जानते ही हैं अगर वीडियो पे व्यू नहीं आए तो किसी का भी माइंड निगेटिव हो जाता है, वीडियो बनाने का इच्छा ही नहीं होता है। इसलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ठीक है सर, हैं बात कर रहे हैं किसी से। तो आप सीधा देर नहीं करते हुए आपको शिवलिंग के अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना काफ़ी बड़ा शिवलिंग है। ठीक है, अब हम अंदर जाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अंदर जाते हुए यहाँ पर घंटी इनको बजाना है, जय भोलेनाथ। ठीक है, तो आप लोग दर्शन कर सकते हैं वाला हूँ। ठीक है, ये ग्रिल लगा हुआ है बट शिवलिंग है, बहुत पुराना मंदिर है इस गांव का, शायद अच्छे से दिख पा रहा होगा या नहीं दिख पा रहा होगा, इसके लिए सॉरी। जय भोलेनाथ, प्रेम से एक बार बोलिए जय भोले, हर हर महादेव। ये शिवलिंग का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा है और देखने में गजब का है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं दूर से भी अगर विजुअलाइजेशन करके दिखाएं इस मंदिर को, शिवलिंग को, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इस गांव में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, ग्राम सेवक मैडम और सरपंच जी हैं, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किए हैं, बहुत अच्छा मंदिर। मंदिर के अंदर का कंपाउंड जो है, कैंपस है, उसमें देख सकते हैं कितना अच्छा अच्छा पेड़ पौधे लगाए गया है, जो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों देख सकते हैं चिक्कू का फल है। ये जब बड़ा होगा ना, बड़े बड़े, तो पकने के बाद काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है, शुगर की तरह, शक्कर की तरह ये मीठा लगता है खाने पे। फ्रेंड, फाइनली हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा मंदिर था, आप लोगों को पसंद ज़रूर आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।